18 फरवरी यानी आज देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन को खास बनाने के लिए रांची के वार्ड 2 में अनोखी शिव बारात निकाली जा रही है। इस शोभायात्रा में लगभग 500 श्रद्धालुओं के भाग लिया है। 50 से ज्यादा झांकी, सपेरे, बंदर, हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, गाय, भूत पिशाच, ढोल वादक, बैंड बाजे, ओघड़, नागा, जिन्न इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा वार्ड 2 के वार्ड पार्षद गुंदरा उराव भी इसमें शामिल हुए हैं। वहीं नाच गाने के साथ बराती झूमते जा रहे हैं। वार्ड पार्षद ने बताया कि हम लोग साल यहां से जुलूस निकालते हैं, कोरोना के बाद इस बार भव्य जुलूस निकाला जा रहा है। हम लोग का जो आज शिवरात्रि का अवसर पर हम लोग का जो महाकालेश्वर मंदिर का जो 2 साल होने जा रहा है और 2 वर्षों से हम लोग शिवरात्रि का व्रत निकाल रहे हैं मिसुरगोंदा से। 1 साल हम लोग रातू रोड दिए थे व्रत, इस बार हम लोग दुर्गा मंदिर कांके रोड पे जा रहे हैं। हम लोग का 2 साल से ये आयोजन चालू हो रहा है। महसूस तो ऐसा लग रहा है कि अद्भुत कि हम लोग लग रहा है स्वर्ग में घूम रहे हैं, स्वर्ग में हम लोग आनंद कर रहे हैं, इस टाइप का कैलाश में विराजमान है ऐसा लग रहा है। शिव का बारात जा रहे हैं, हम लोग सारा विधि विधान से ही किए हैं। काफ़ी बच्चों का देख रहे हैं कि योगदान यहाँ, काफ़ी बच्चे यहाँ, बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, सबका योगदान एक समान है। मैं वार्ड नंबर 2 के पार्षद गुंदरा उराव। देखिए सबसे पहले हम वार्ड नंबर 2 के सभी प्रभुत जनों को, सभी शिव भक्तों को ये शिव महाशिवरात्रि का जो महापर्व है इसके सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। पिछले 2 साल कोरोना हुआ था, पिछले वर्ष भी यहाँ से मिसरगोंदा से महाकालेश्वर मंदिर से यहाँ शिव बारात यहाँ से निकली थी। और हम लोग जैसा कि अभी हमारे यहाँ के जो कमेटी के अध्यक्ष हैं और इस वार्ड नंबर 2 के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आपको बताने का काम किया कि पिछले साल भी हम लोग इसी तरह से भव्य आयोजन कर भव्य शिव बारात निकाल करके हम लोग रातू दुर्गा मंदिर जाने का काम किए थे। आज का जो आयोजन है शिव बारात का, शिव बारात में हम वो सभी को आमंत्रित करते हैं और काल का, भैरव का और महाकाल का बारात है। जो हमारे शिव और पार्वती के रूप में विराजमान है हमारे इस कमेटी के बहुत ही होनहार ऊर्जावान कार्यकर्ता मोनू सिंह जी, और वो शिव जी के रूप में है, उनकी मेहनत और ये पूरा मिसरगोंदा के जनता और राह में मिलने वाले जितना भक्त है, शिव भक्त है, सबको मैं आमंत्रित करता हूँ इस महाकाल के और महादेव के बाराती में शामिल हो और दुर्गा मंदिर शिव मंदिर में जाकर। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ से झांकी निकालते हैं और हम लोग दोनों हस्बैंड मतलब पति पत्नी है और ये पार्वती बनते हैं और हम शिव जी बनते हैं जी। हम लोग बहुत ही लंबे समय से थे, हम लोग 1 साल से हम लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि प्लानिंग की कैसे हम लोग को करना है, कैसे सारा कुछ जो है कि हम लोग को फिर समय आते आते हम लोग फिर वो चीज़ ऊपर वाला कृपा से सब बहुत बढ़िया हो जाता है। इसलिए चुना गया इसलिए क्योंकि हम लोग मतलब महाकाल के हम लोग बहुत बड़े भक्त हैं और शिव विवाह जो हम लोग का जो गोंदा टाउन में जो हो रहा है तो उसमें हम लोग का जयमाला और शिव विवाह का जो होता है वो पति पत्नी किया जाता है, तो ये हमारी धर्म पत्नी है और जी इसी के लिए जी 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 हाँ, बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसा मौका मिलना तो बहुत बड़ी बात है कि ऐसा मौका मिल गया इसके लिए, और वाकई में हम लोग 1 ईयर से कम हम लोग इसकी तैयारी में जुटे रहते हैं। हर दिन एक एक पल में हम लोग को यही लगता है कि क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, बस यही हम लोग को लगता है। सुबह से शाम क्या हो, 1 साल में तो करते ही रहते हैं और सुबह से शाम का तो जो हालत होता है हम लोग खुद के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।